विद्यार्थी मित्रों, आर्य एजुकेशन में तमारो हार्दिक स्वागत छे। आ वीडियो में आपणे एप्रिल 2022 में वार्षिक परीक्षा योजवानी छे, तो ते अंतर्गत धोरण 6 विषय हिंदी ना मॉडल पेपर नु संपूर्ण सोल्यूशन जोईशुं। प्रश्न 1 छे विद्यार्थी मित्रों, सही विकल्प चुनकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहलू, आप चाय पसंद करेंगे, खाली जगह कॉफी, तो ते आंसर आवशे सी, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी, तो सी आपणो जवाब। तो तमारे आ रीते प्रश्न हो ने तमे सीधा उत्तर करीने सी या लखी नाखो तो चाले। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 ना अन्य पेपरो पण तमने सोल्यूशन करीने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेला छे, एंड स्क्रीन में पण तमने वीडियो मळी जशे। किताब एक ज्ञान का स्रोत है, रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन कीजिए, तो किताब बहुवचन छे, जे आंसर आवशे बी, एक वचन एटले के किताब। त्रीजो जोईए, भिन्न शब्द पहचानिए, तो पोस्टकार्ड, अंतरदेशीय पत्र, लिफाफा, આ ત્રણે પોસ્ટ ઓફિસ ને લગતા શબ્દો છે, એટલે કમ્પ્યુટર શબ્દ અલગ પડશે। ગલત જોડ પહેચાનીએ, તો એ, બી અને સી એ સાચા જવાબ છે, જ્યારે ખરાદી એટલે ઘડિયાળી એ શબ્દ ખોટો છે, આન્સર આવશે ડી। 5. એક કે બાદ એક વિપત્તિ મે ફસના અર્થવાળી કહાવત ઢૂંઢીએ, તો એ અર્થવાળી કહેવત છે ઓપ્શન બી, આસમાન સે ગીરા ખજૂર મે અટકા, એટલે કે એક પછી એક મુસીબત આવે છે। संयुक्त अक्षर वाला शब्द ढूंढिए, तो सावसेलू ए, युद्ध ए संयुक्त अक्षर छे। यह भी एक परीक्षा इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है, तो विद्यार्थी मित्रों तमने आउ पण पूछी सके छे के पाठ नो कयो प्रकार छे, तो अहीं आवशे सी, एकांकी। अपील शब्द का अर्थ पहचानिए, तो सी, दलील, अपील एटले दलील। परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो विद्यार्थी मित्रों तमारे आ पेरेग्राफ ध्यानथी वांचवानो छे। आंसर जोईए, परिच्छेद में से विलोम शब्द की जोड़ पहचानिए, तो अहीं पेरेग्राफ में आव्युं हतुं देश अने विदेश, एटले के ए एनी जोड़ छे, विलोम एटले विरोधी शब्दों नी जोड़। दूरदर्शन ने किस क्षेत्र में क्रांति पैदा की है, तो दूरदर्शन ने मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति पैदा की है। आसमान शब्द का समानार्थी शब्द, तो ए पेरेग्राफ में आव्युं हतुं नभ। परिच्छेद को उचित शीर्षक, तो दूरदर्शन एक वरदान, आवुं शीर्षक आपणे आपी शकीए। का जोईए, कहावत का अर्थ देकर समझाइए, कंगाली में आटा गीला, तो मुसीबत में और मुसीबत आना, एनो अर्थ थशे। लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो बाघ नु लिंग परिवर्तन थशे बाघिन, अने तेनो ज आपणे वाक्य प्रयोग करवानो छे, तो बाघिन जंगल में दौड़ रही है। विद्यार्थी मित्रों तमे जोई शको छो, प्रश्न 2 ना अ मां कुल तमने 6 प्रश्न आपेला छे, जेमांथी किन्ही 5 कोई पण 5 लखवाना छे, कुल गुण छे 10। तो तमने जे सरस परीक्षा में आवडतो एक 5 प्रश्न लखी शकाय, अने तेमज आपेलू छे ब, जेमा पण तमने प्रश्नोना जवाब लखवाना छे, कोई पण 2 अने कुल गुण छे 6। हवे जोईए तेनो सोल्यूशन। तो प्रश्न 2 नो पहेलो प्रश्न छे, आपको नेपोलियन का पात्र कैसा लगा और क्यों? उत्तर, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था, अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। तो इस तरह नेपोलियन का पात्र बहुत अच्छा है कि जो सच का साथ देता है। भिखारी के कटोरे में क्या था? भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। अगर जो ये विद्यार्थी मित्रों त्रीजो प्रश्न, आप किसी को पत्र लिखा है क्यों? हाँ, मैंने अपने बुआ के बेटे को उसके जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखा था। तो विद्यार्थी मित्रों तमे जेने छेले पत्र लख्यो होय ते तमे अहीं लखी शको छो। अली ख्वाजा ने मोहर तेल में क्यों छिपाई थी? तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छिपाई होगी, आ छे तेनो आंसर। देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो भिखारी के पांव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य था, इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। सोनू डॉक्टर के पास क्यों गया? सोनू के सिर में चोट लगी थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। प्रश्न 2 नो ब जोईए, प्रश्नों ना उत्तर लखवाना छे। वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता।
पत्र लेखन के प्रारूप में आने वाले मुद्दों को क्रमशः लिखिए। तो सबसे पहला आवे पता, दिनांक એટલે કે તારીખ, પછી આપણે સંબોધન કરીએ, વડીલ હોય કે જે હોય એ રીતે આપણે સંબોધન કરીએ, પછી વચ્ચેનો પાર્ટ આવે પત્ર કે બારે મે જાણકારી જે ખૂબ અગત્યનો હોય છે અને છેલ્લે હોય છે જિસને પત્ર લખા હે ઉસકા નામ। ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેપોલિયન ઓર ઉસકી બહન કે સ્વભાવ મે ક્યા અંતર થા। તો નેપોલિયન સચ બોલને સે ડરતા નહીં થા, ઉસમે સચ્ચાઈ કા સામના કરને કા સાહસ થા, અપને કારણ હોઈ દૂસરે કી હાનિ વહ સહન નહીં કર સકતા થા। उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी, उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरे के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। प्रश्न त्रण, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए किन्हीं तीन। हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? आंसर, हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए? तो कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है, बटन दबाते ही बैंक में खाता सामने आ जाता है, घर बैठे रेलवे हवाई जहाज के टिकट बुक कर सकते हैं, घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है, सेना शिक्षा आदि क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है, इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी जानकारी और प्रामाणिक मिल सकती है। त्रिजो, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, वे जानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है, इस अत्याचारों का अंत होते दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। संदेशा व्यवहार में किन किन उपकरणों के माध्यम से हो सकता है? तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों से संदेशा व्यवहार हो। बनो पहलो प्रश्न जोइए, यदि हम समस्या और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होगी। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को खुशियों के पल फूल बांटना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को खुशी सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है, उनको आनंदित देखकर हम भी आनंद होंगे। उसके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों को चुभन हम भी महसूस करेंगे, इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। तीजो प्रश्न, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है? तो मेरी बात करूं तो हमें मोबाइल का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसके द्वारा हम मनोरंजन, शिक्षा, समाचार आदि प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न त्रण नो काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो काव्य पंक्ति छे, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है, अर्पण फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। ड जोइए आगळ, तो थोड़ा तीसरा, आ बने विशेषणो छे उसका उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो मैंने थोड़ा खाना खाया, परीक्षा में मोहन तीसरे नंबर से उत्तीर्ण हुआ। तो आ रीते कोई पण वाक्य लखी शकाय। अ जोइए, निम्नलिखित वाक्य कोण किसे कहता है? वाक्य तमे स्क्रीन ऊपर वाँची शको छो। पहेलो वाक्य, चाय वाला एक बालक से कहता है, ने जे बीजो वाक्य छे, चलो बाबा, ए विद्यार्थी अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। ब જોઈએ, શુદ્ધ વાક્ય મે લખીએ। વાક્ય તમે જોઈ શકો છો, આપણે જોઈએ તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ। મેને અહમદાબાદ સે અંબાજી કી ટિકિટ લી, રાવણ કે સાથ યુદ્ધ મે રામ કી વિજય હુઈ। અહી ભૂલ છે, આપણે અહી વિજય હુઈ આવશે। ત્રીજું એમાં આવશે ખરીદી, મેને પુસ્તક ખરીદી। અને ચોથું આવશે આજ ભારી વરસાદ હુવાની જગ્યાએ હુઈ। સૂચના અનુસાર લખીએ પ્રાસવાળી શબ્દ, તો નોકરાની, તો દેવરાની, મહારાની, એવું કોઈ પણ લખી શકાય। આર્થિક, તો ધાર્મિક, તાર્કિક, એવું સમાન પ્રાસવાળો કોઈ પણ શબ્દ મેળવી શકાય। મુહાવરો જોઈએ, સિર પકડ કર બેઠ જાના, અર્થ છે નિરાશ હો જાના। ફસલ અચ્છી નહીં હોય તો કિસાન સિર પકડ કર બેઠ ગયા, તો કોઈ પણ મૌલિક વાક્ય ઉમેરી શકાય। કહાની, એક વાર રાજા કે મહલ મેં એક સેવક કાચ કા ખૂબસૂરત મોર સાફ કર રહા થા, गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। क्रोध में आकर राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डाल दिया। तो आगर कहानी आप पूर्ण करवानी छे, कुल गुण छे 6।
तो वार्ता आगळ आ रीते थशे। कुछ दिन बाद तेनाली राम राजा को दूसरे दरबारियों के साथ उद्यान ले गया। वहां बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने दो सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़कर ले गया। राजा बना बच्चा कहता है, यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ कर देते हैं। खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी। नाटक देखकर राजा सोच में पड़ गए कि तेनाली राम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्ण देवराय बोले, सचमुच तेनाली रामन, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझ गया कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। प्रश्न 5, संयुक्त अक्षर आपेलो छे त वत्ता त એટલે બનશે આ રીતનો ત। તો એવો આપણે કોઈ એક શબ્દ બનાવવાનો છે, જેમ કે મેં લખ્યું છે કૂતરા, અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ પણ કરવાનો છે। તો કૂતરા વફાદાર પ્રાણી। બ જોઈએ, અપને મિત્ર કો જન્મદિન કી બધાઈ કે સંદર્ભ મે પત્ર લખીએ, અને એના અથવામાં તમને બીજો પણ પત્ર છે, નદી મે બાઢ આના ઘટના કા વર્ણન કરતે હુએ અપને મિત્ર કો પત્ર લખીએ। અહીં અમે બંને પત્ર નું સોલ્યુશન આપેલું છે। તમારે ઓપ્શનલ છે, એટલે બે માંથી કોઈ પણ એક પત્ર લખવાનો હોય તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે અહીં તમારું સરનામું લખવાનું રહેશે। પછી અહીં તમારા મિત્રનું નામ મેં લખ્યું છે, પ્રિય મિત્ર સુરેશ। આગળનો આન્સર તમે સ્ક્રીન ઉપરથી વાંચી શકો છો। અને છેલ્લે તમારું નામ તુમ્હારા મિત્ર। હવે જોઈએ પત્ર બીજો। અહીં પણ તમારે તમારું એડ્રેસ, તમારા પ્રિય મિત્રનું નામ, અને અહીં આપણો વિષય છે નદી મે બાઢ આઈ ઉસકે બારે મે પત્ર લખના હે। અને છેલ્લે આવશે તમારું પત્ર લેખન। પછી તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન 5 નો ક। કિસી એક વિષય પર નિબંધ લખીએ, કુલ ગુણ છે 8। તો ત્રણ નિબંધ છે, વિજ્ઞાન કે લાભાલા, પુસ્તક હમારે મિત્ર, જીવન મે પ્રાર્થના કા મહત્વ। તો ત્રણે નિબંધ આઈએમપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ત્રણે નિબંધ તૈયાર કરી લેજો। અમે અહીં વિજ્ઞાન કે લાભાલાભ નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપેલું છે। સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો, વિજ્ઞાન ને આજ કે સમય મે બહુત ઉન્નતિ કરલી હે। વિજ્ઞાન કે ચિકિત્સા વ્યવસ્થા મે બહુત પ્રગતિ કરલી હે। ખેતી, સંચાર, ચિકિત્સા, વિજ્ઞાન ઓર લગભગ હર ક્ષેત્ર મે મનુષ્ય કા વિજ્ઞાન કી સમજ કે સાથ પ્રચુર માત્રા મે વિકાસ હુઆ હે। પિછલે સાલો મે લા ઇલાજ બીમારી માની જા રહી એડ્સ પર ભી વૈજ્ઞાનિકો ને ધીરે ધીરે પકડ બનાના શરૂ કર દિયા હે। હમ ઘર કે અંદર ભી કઈ પ્રકાર કે ટેસ્ટ કર લેતે હે, જૈસે હમ બીપી, શુગર, અપના ભાર આદિ ટેસ્ટ ઘર પર આસાની સે ચેક કરતે હે। ઇનકે લિયે બહાર નહીં જાના પડતા। ખેતી મે ભી વિજ્ઞાન ને કાફી ઉન્નતિ કર લી હે। કૃષિ કરને કે લિયે વિભિન્ન પ્રકાર કે યંત્ર મશીનો કા આવિષ્કાર કર લિયા હે, જિસકે ખેતી કરના આસાન હો ગયા હે, સમય કી બચત હોતી હે। ખાદ્ય પદાર્થો કે સંરક્ષણ ઓર ઉનકે સ્વાદિષ્ટ બનાને કે નયે તરીકે કા ભોજન પ્રૌદ્યોગિકી મે અનુસંધાન કે માધ્યમ સે આવિષ્કાર કિયા જા રહા હે। જીવન મે વિજ્ઞાન કી ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ હે। વિજ્ઞાન કે વિભિન્ન યોગદાનો ને હમારે અસ્તિત્વ કો અધિક આરામદાયક ઓર સહજ બના દિયા હે। બિજલી, પંખે, એર કન્ડિશનર, ટેલિવિઝન, મોબાઈલ ફોન, મોટર વાહન ઇત્યાદિ જૈસે વિજ્ઞાન કે શાનદાર આવિષ્કારો ને હમારે જીવન કો આસાન બના દિયા હે, ઓર અબ ઇન્હે ઇસ્તેમાલ કિયે બિના લગભગ અસંભવ હે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમે વિજ્ઞાન કે લાભાલાભ નિબંધ લખી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના મોડેલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। અન્ય સોલ્યુશનો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલા છે।